ऑल, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम शरीर को बाहर से स्वस्थ रखने की तो बहुत कोशिश करते हैं, अगर हमारे स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, खुजली हो, दाग हो, धब्बे हो, या फिर हमें ड्राइनेस आ जाए स्किन पर, या बाल झड़ने लगे, या फिर हमारे जीभ पर कुछ चेंजेस आए, तो हम डर जाते हैं और हम उस पर बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं बाहर से उसे कवर अप करने के लिए। हम सब का ध्यान शरीर के बाहरी रंग रूप पर है। हम चमड़े पे खर्च करते हैं, हम आँखों पे खर्च करते हैं, दांतों पे खर्च करते हैं, अपने हेयर फॉल पे खर्च करते हैं। तो बाहर से जो भी सिम्टम्स हमें दिखते हैं, हमारे नाखूनों पे अगर कुछ चेंज आ रहा है तो हम डर जाते हैं और उस पे खर्च करते हैं। तो बाहर से हम चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एक यहाँ पर हम गलती करते हैं कि शरीर में जो भी बाहर में आपको गंदगी दिख रही है, आपके चमड़े पे हो, नाखूनों पे हो, जीभ पर हो, आँखों पे हो, ये सब बाहर की गंदगी नहीं है, ये अंदर में गंदगी बन रही है। गंदगी अंदर पैदा हो रही है क्योंकि आपने बाहर से कुछ ऐसा खाया है जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई है और वो अंदर ही अंदर सड़ रहा है, जिसे आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पेड़ है और उसके पत्ते अगर सूख रहे हैं तो वो पत्तों की प्रॉब्लम नहीं है, उनके जड़ में पानी नहीं मिल रहा है इसलिए पत्ते सूख रहे हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर अगर कुछ अच्छा कंटेंट नहीं है, जो खाने हम खा रहे हैं अगर उसमें वो तत्व ही नहीं है जो शरीर को चाहिए, तो हमारा शरीर उसके सिम्टम शो करता है जो स्किन पे दिखेंगे, हेयर फॉल के फॉर्म में दिखेंगे, स्टोन्स के फॉर्म में दिखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो है फल और सब्जियों और अनाज में कितना टाइम लगता है इसे पचने में। पहले लेते हैं फल सब्जियों को। फल सब्जियों में क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, करीब 70 से 90% तक पानी होती है इनमें, इसकी वजह से ये जल्दी पच जाते हैं, 3 से 6 घंटा इन्हें लगता है पचने में। अनाज क्योंकि इसमें पानी की प्रतिशत सिर्फ 10 से 12% होती है, इसकी वजह से कम से कम 18 घंटे लगते हैं पचने में। हम बात कर रहे हैं मुंह से लेकर के पूरे एनस तक, मतलब पूरे लास्ट प्रोसेस तक में कितना समय लगता है। तो जो खाना है, फल सब्जियां, वो जल्दी पच जाते हैं और जो अनाज है वो देर से पचते हैं। अगर जो 18 घंटे में पचता है अनाज, अगर वो पचा ही नहीं और उससे पहले हमने और अनाज अपने बॉडी में डाल लिया, तो इसकी वजह से वो अनाज अंदर ही अंदर सड़ने लगते हैं और वो कीड़े मकोड़ों का फॉर्म लेने लगते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से ये हमारे स्किन के लेयर्स पर, हमारे इंटेस्टाइन के लेयर्स पर चिपक जाते हैं। ये कचड़े जब इंटेस्टाइन के लेयर पर चिपक जाते हैं तो ये ब्लड के थ्रू होते हुए हमारे पूरे बॉडी में फैलते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ एयरवेज में जमा हो जाएँ तो इसकी वजह से हमें अस्थमा जैसे प्रॉब्लम्स होंगी। अगर ये हमारे स्किन की लेयर पर जमा हो जाएँ तो एक्जिमा, ड्राइनेस, मुहासे, ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर ये हमारे किडनी में या फिर गॉल ब्लैडर में जमा हो जाए तो पथरी का रूप ले लेते हैं, स्टोन्स का रूप ले लेते हैं। अगर ये हमारे ओवरीज में जाके, फीमेल की ओवरीज में जाके जमा हो जाए तो सीस्ट का फॉर्म ले लेती है। इस तरीके से ये गंदगियाँ हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में जमा होकर अलग अलग बीमारियाँ पैदा करती हैं। अगर किसी को ओबेसिटी है तो सिंपली आपने देखा होगा कि इस तरह की जो गायें होती हैं या इस तरह के जो कैटल्स होते हैं, इनकी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है तो कैसे इनका पेट फूला फूला दिखने लगता है। फिर इन्हें ऑपरेशन करके, इनमें एक पेट में होल करके पूरे कचड़े को बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे बॉडी में, ह्यूमन बींग के बॉडी में ऐसा अभी कोई प्रोसेस आया नहीं है, मगर हमारे बॉडी में भी इसी तरीके से गंदगियाँ जम जाती हैं, जिसे हम ओबेसिटी बोलते हैं। उसे पहले तो हमें अपने शरीर से गंदगियों को निकालना होगा। हमें ये किसी ऑपरेशन के थ्रू नहीं, अपने बॉडी के ही प्राकृतिक तरीके से निकालना होगा, जिसमें हम अपने बॉडी को खुद ही समय देंगे अपने शरीर की गंदगियों को बाहर निकालने के लिए। तो ये शरीर की गंदगियों को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, इसके लिए मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। हर एक दिन एक वीडियो आएगी जिसके ऊपर ये डिस्कशन होगा कि किस तरीके से हम अपने शरीर की गंदगियों को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।